नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त फिर हाजिर है योगेंद्र वर्मा सच्चा साथी हेल्थ कोच हेल्थ एडवाइजर बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ दोस्तों। और विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। आज अभी कंपैरिजन वाला सिनेरियो चल रहा है, इसमें मैक्सिमम कंपनीज को हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं। आज नई वीडियो के साथ हम लोग आप स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल प्लान है अपोलो क्लिनिक का, इजी हेल्थ के नाम से ये प्लान आता है। इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं नेशनल के प्लान के साथ। इस प्लान में और नेशनल के प्लान में क्या क्या कंपैरिजन हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, जो एक दूसरे से कंपनीज अलग अलग हैं, ये बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों, आप मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। किसी भी क्वेरी के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी में भी अवेलेबल हूँ दोस्तों। किसी भी तरह से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस प्लान का नाम है अपोलो इजी हेल्थ और दूसरे प्लान का नाम है नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी। तो सबसे पहले एज ऑफ एंट्री क्या है दोस्तों, ये बताने की कोशिश करूंगा। 18 साल से लेके 65 साल तक का कोई भी पर्सन इजी हेल्थ पॉलिसी ले सकता है। और नेशनल की बात करें तो वहाँ 18 साल से लेके 60 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। मेडिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अप टू 65 ईयर्स नॉन मेडिकल पॉलिसी है दोस्तों। 65 साल तक कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं है। और नेशनल की बात करें अप टू 60 ईयर्स नॉन मेडिकल पॉलिसी है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होंगे सर, किसी भी तरह की मेडिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। चाइल्ड एज की बात करें 91 डेज से लेके 24 इयर्स तक इस पॉलिसी के अंदर चाइल्ड कवर होते हैं। नेशनल की बात करें तो 91 डेज से 25 इयर्स तक चाइल्ड कवर होते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें दोस्तों, अपोलो क्लिनिक के प्लान के अंदर 3 लाख रुपए से सम इंश्योर्ड शुरू हो जाता है और 50 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड लिया जा सकता है इजी हेल्थ प्लान के अंदर। इजी हेल्थ में 3 वेरियंट आते हैं दोस्तों, मैं तीनों प्लान का कम्बाइंड बता रहा हूँ, 3 लाख से लेके 50 लाख। लेकिन अगर परिवार मेडिकल में बात करें, नेशनल की बात करें, यहाँ पे 2 लाख रुपए से शुरू हो जाता है प्लान, 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। इस प्लान की ये खासियत है दोस्तों। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट एक बार दोस्तों बता देता हूँ, एडमिट होने से पहले का खर्चा प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। ओलो कंपनी की बात करें, इजी हेल्थ प्लान के अंदर 60 डेज प्री एंड 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। और अगर नेशनल कंपनी की बात करें तो 15 दिन प्री और 30 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, 15 दिन पहले और 30 दिन बाद के खर्चे कवर होते हैं दोस्तों। रूम रेंट की बात करें तो अपोलो की पॉलिसी में बेस्ट पार्ट है, किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो आप ले सकते हैं। नेशनल कंपनी की बात करें तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड तक का ही रूम ले सकते हैं, अगर इससे ज्यादा का रूम लिया तो ऊपर के पैसे आपको खुद बिल करने पड़ेंगे। जैसे पॉलिसी 2 लाख रुपए के लिए तो 2000 रुपए पर डे, 5 लाख के लिए तो 5000 पर डे तक का ही रूम ले सकते हैं। इससे ज्यादा का रूम लेना पड़ा तो ऊपर के खर्चे आपको खुद बिल करने पड़ेंगे दोस्तों। आईसीयू रूम की बात करें तो उसके लिए भी अपोलो की पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर नेशनल कंपनी की बात करें, या 2% तक का ही रूम अवेलेबल है, मीन्स आईसीयू रूम की कॉस्ट जो भी होगी 2% तक का ही खर्चा आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 10,000 पर डे और 2 लाख की पॉलिसी में 4,000 पर डे तक का ही आईसीयू रूम का खर्चा मिलेगा। अगर आईसीयू रूम महंगा मिला तो ऊपर के खर्चे आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे दोस्तों। ये कैपिंग है नेशनल पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा नो क्लेम बोनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है तो हर साल कंपनी 10% नो क्लेम बोनस देती है। यानी कि अगर पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और पूरे साल क्लेम नहीं आया तो अगले साल पॉलिसी 11 लाख रुपए की हो जाती है और आपको सम इंश्योर्ड 100% तक बढ़ता है। यानी कि 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख तक चली जाती है, 5 लाख की पॉलिसी 10 लाख तक चली जाती है। लेकिन अगर नेशनल परिवार मेडिक्लेम की बात करूं, यहाँ पर नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, जीरो रहता है, जितने की बेस पॉलिसी है उतने की चलती रहेगी। ये एक छोटी सी लिमिटेशन है नेशनल पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा ऑपरेशन नीड, पहले 2 साल सारी कंपनीज में वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पर भी है। इन बीमारियों के नाम बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाय रिलेटेड इश्यूज, पहले 2 साल तक अपोलो में भी कवर नहीं होते इजी हेल्थ में, और परिवार मेडिक्लेम में भी पहले 2 साल तक कवर नहीं होते हैं दोस्तों। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पीईडी का मतलब है पहले से अगर कोई बीमारी है, जैसे कुछ लोगों को बीपी होता है सर, शुगर होता है, अस्थमा होता है, या कोई भी ऐसी डिसीज, अपोलो के अंदर 3 साल वेटिंग पीरियड के बाद वो चीजें कवर हो जाती है। ताकि नेशनल पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर 4 साल वेटिंग पीरियड होता है, पहले 4 साल तक पुरानी बीमारी का क्लेम नहीं मिलता है। और अगर कोई पहले से बीमारी है तो यहाँ पर 10% को पेमेंट भी लगता है वेटिंग पीरियड लगने के बाद भी,
10% कोपेमेंट देना पड़ेगा जब भी कोई क्लेम आएगा, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर 100% कैशलेस रहता है, किसी भी तरह का कोपेमेंट नहीं है। प्लस डिसीज वाइज कैपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डिसीज वाइज कैपिंग जैसे कि नाम से पता चलता है, अगर पॉलिसी के अंदर कोई एक बीमारी के लिए सिंगल कोई बड़ा क्लेम आता है, पॉलिसी 5 लाख की है, क्लेम 3 लाख का आ गया है, 5 लाख का आ गया, तो नेशनल पॉलिसी के अंदर 50% का एक क्लॉज लगा हुआ है, 50% ऑफ सम इंश्योर्ड से ज्यादा का एक बीमारी के लिए क्लेम नहीं ले सकते। पॉलिसी 5 लाख की है तो 2.5 लाख तक का मैक्सिमम क्लेम ले सकते हैं, 3 लाख या 5 लाख का क्लेम आया तो कंपनी 2.5 लाख ही देगी। लेकिन अगर अपोलो की बात करें, यहाँ पर 100% कोई भी पर्सन क्लेम ले सकता है, फैमिली में जिसको भी जरूरत है। 5 लाख की पॉलिसी, एक बंदे को 5 लाख क्लेम आ गया तो पूरा 5 लाख आप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई कैपिंग यहाँ पर नहीं है दोस्तों। इसके अलावा 100% कैशलेस है, किसी भी तरह का कोई कोपेमेंट भी नहीं है। नेशनल के केस में भी 100% कैशलेस है, बट अगर कोई पहले से बीपी शुगर कोई चीज आपने डिक्लेयर कर रखी है तो 10% कोपेमेंट लगेगा, अदरवाइज 100% कैशलेस रहेगा। इसके अलावा दोस्तों टीपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पॉलिसी के अंदर। प्राइवेट कंपनी, अगर अपोलो की बात करूं, अपोलो के अंदर इनहाउस टीपीए बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हैसल फ्री रहता है। अपोलो में खुद इनहाउस टीपीए है, अपोलो इसका क्लेम सेटल करता है। लेकिन अगर नेशनल की बात करूं, यहाँ पे आउटसाइड टीपीए होता है, आउटसाइड कोई भी हो सकता है, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, एमडी इंडिया, मेडियसिस, ई मेडियसिस, आपका पारस टीपीए, इस तरह के टीपीए होते हैं। वहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा हैसल वाला काम होता है दोस्तों। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया 6000+ हॉस्पिटल्स है जो यहाँ पे पैनल में आते हैं, आप यहाँ पर कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं। नेशनल कंपनी की बात करूं तो 4000+ हॉस्पिटल्स है जहाँ पर आप इलाज करा सकते हैं दोस्तों। ये बेसिक मेन फीचर्स है जो एक पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी से डिफरेंटिएट करते हैं, डिफरेंसेस पता चलते हैं कि नेशनल कंपनी में क्या फीचर्स है और अपोलो कंपनी में क्या फीचर्स है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है दोस्तों। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा, फिर से बात कीजिएगा। कोई भी नया प्लान लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पे अपनी क्वेरीज को मेल कर सकते हैं, मैं 100% उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।